22 के सभी टीमों के बारे में ना मैं डेली वीडियो निकाल रहा हूँ, और वो सब वीडियो पर ना क्या बता रहा हूँ पता है, वहां पर मैं बता रहा हूँ कि सभी टीमों का प्रेडिक्टेबल प्लेइंग 11 क्या हो सकता है 2022 के लिए, मतलब 2022 के आईपीएल के लिए। देखो भाई अभी तक ऑक्शन नहीं हुआ है, ठीक है, मैं जो बताऊंगा वो सिर्फ और सिर्फ प्रेडिक्शन होगा, ठीक है, प्रेडिक्शन करूंगा या फिर कयास लगाऊंगा कि कैसा हो सकता है जहां से अच्छा एक प्लेइंग 11 रेडी हो सकता है। तो ये देख नहीं बताना कि भाई अभी तो ऑक्शन नहीं हुआ, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं एडी क्रिकेट न्यूज। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी बंद है तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को भी जरूर दबा दो, क्योंकि ऑल नोटिफिकेशन को अगर दबाते हो ना तो नोटिफिकेशन सबसे पहले जाएगा। और वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो, जो भी अच्छा लगे, बुरा लगे, क्या खामियां है वो भी बताओ, लेकिन कमेंट करो, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखो अगर पंजाब किंग्स के बारे में हम बात करें ना, तो पंजाब किंग्स का प्रेडिक्टेबल प्लेइंग 11 क्या हो सकता है। सबसे पहले अगर हम बताएं कि पंजाब किंग्स कौन कौन सा खिलाड़ी को रिटेन किया है, तो पंजाब किंग्स सिर्फ और सिर्फ दो खिलाड़ी को रिटेन किया है, और दो खिलाड़ी कौन कौन है, मयंक अग्रवाल और अर्जदीप सिंह। इन दोनों को रिटेन करने के बाद पंजाब किंग्स के पास ना टोटल 72 करोड़ रुपए बचा हुआ है, जिसके वजह से वो सबसे ज्यादा पैसे वाला हो गया है जो कि ऑक्शन में जाएगा, ठीक है। तो अभी के मुताबिक अगर बताए ना, तो पंजाब किंग्स के पास सबसे ज्यादा चांसेस रहेगा कि अच्छा टीम क्रिएट करे। तो मुझे लगता है कि अगर अच्छा टीम क्रिएट कर पाता है तो पंजाब किंग्स के लिए ही बेहतर होगा। तो चलिए देख लेते हैं कैसा प्रेडिक्टेबल प्लेइंग 11 मैं बनाया हूं, और आप लोग जरूर से कमेंट करके बताना कि आप लोगों के मुताबिक कैसा प्लेइंग 11 होना चाहिए, या फिर आप लोग मेरे से सहमत है या फिर नहीं है, वो भी जरूर से कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपका राय भी वैल्यूएबल है, ठीक है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम ओपनिंग से शुरू करें, मयंक अग्रवाल तो फर्स्ट चॉइस ओपनर है, ठीक है, युवा है, कप्तान भी बना दिया जा सकता है, मतलब ऐसा खबर आ रहा है कि मयंक अग्रवाल ही कप्तान हो सकता है। तो उस जगह पर मुझे लगता है कि एक अगर बेहतरीन एक्सपीरियंस्ड बल्लेबाज हो जो कि लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज हो, तो वो कौन हो सकता है, मेरे मुताबिक शिखर धवन को अगर आप ले पाते हो बहुत ही बेहतर होगा। करेंट फॉर्म भी अच्छा है, क्वालिटी है, और उनके साथ जो उनका फिटनेस है ना वो उनको कैरी फॉरवर्ड करता है आगे के लिए। तो उस जगह पर आप इनके ऊपर अगर इन्वेस्ट करते हो तो यहाँ से आप 3-4 साल देख सकते हो इनके ऊपर कि ये बंदा आपके टीम की ओर से खेलेगा 3-4 साल अभी तक, मतलब अभी भी। तो आप लोगों के मुताबिक ये डिसीजन कैसे लगा जरूर से कमेंट करो बताओ, ये चॉइस कैसे लगा वो भी जरूर से कमेंट करो बताओ। लेकिन उसके बाद तीसरे नंबर के पोजीशन के लिए ना मैं यहाँ पर थोड़ा सा मतलब सोचा कि अगर आप सुरेश रैना को ले पाते हो तो ठीक है, ये बंदा मैक्स टू मैक्स 2 साल, ठीक है, इसके बाद तो नहीं खेलेगा। तो सुरेश रैना को रखकर क्या मैं ठीक कर रहा हूँ। उसके बाद मुझे लगा अगर मैं इस टीम में मनीष पांडे को भी रख दूं तो अच्छा रहेगा, ठीक है, मनीष पांडे लॉन्ग टर्म के लिए खेल सकता है, मिडिल में आकर खेल सकता है, अच्छा क्वालिटी दे सकता है। तो उस जगह पर मुझे लगा कि मैं मनीष पांडे को अगर रखूं तो ज्यादा बेहतर होगा। आप लोग दोस्तों कमेंट करो कि तीसरे नंबर के पोजीशन के लिए आप मनीष पांडे को देखना चाहते हो या फिर सुरेश रैना को, वो दोस्तों कमेंट करो बताओ। उसके बाद अगर 4 नंबर की बात करो, तो 4 नंबर पे ना मुझे फर्स्ट चॉइस इस टीम में एक ही खिलाड़ी का नाम मतलब मेरे माइंड पर आया, तो वो है लियाम लिविंगस्टोन। बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है, डेडली फॉर्म है उनका, मतलब वो बंदा अगर आते ही लप्पेबाजी शुरू करे ना तो वो तबाही मचा सकता है, मतलब ऐसा खिलाड़ी है। तो जब मैं बताऊंगा 4 नंबर के लिए आप लियाम लिविंगस्टोन को अपने टीम में ले आओ। उसके बाद 5 नंबर पे ना मैं बताऊंगा कि आप मिचेल मार्श को अपने टीम में रखो, बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है मिचेल मार्श, 5 नंबर के लिए क्वालिटी देगा आपके टीम की ओर से, ठीक है, मिचेल मार्श। उसके बाद 6 नंबर पे मैं चाहूंगा दिनेश कार्तिक को ले आओ, विकेट कीपर बैट्समैन लास्ट में आएगा, अच्छा क्वालिटी दे सकता है दीप को। दिनेश कार्तिक एक बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, ठीक है, आप उनके ऊपर और 2 साल इन्वेस्ट कर सकते हो, उसके बाद आप एक युवा खिलाड़ी को ले सकते हो, लेकिन 2 साल भी वो बेहतर क्वालिटी देगा आपके लोअर मिडिल ऑर्डर पर। तो उस जगह पर मुझे लगता है कि दिनेश कार्तिक एक परफेक्ट चॉइस हो सकता है किसी भी टीम के लिए। तो उस जगह पर मैं चाहूंगा विकेट कीपर बैट्समैन के तहत आप मतलब पंजाब किंग्स आप दिनेश कार्तिक को जरूर से जरूर लो, अच्छा रहेगा। उसके बाद मैं 7वें नंबर के लिए रखना चाहूंगा ऋषि धवन को। ऋषि धवन रिसेंट टाइम में जो विजय हजारे हुआ ना वहाँ पर बहुत ही क्वालिटी दिया था, और वो ऑक्शन में भी आएगा, अच्छा खासा रेट भी मिल सकता है। तो उस जगह पर मैं चाहूंगा अगर आप ऋषि धवन को भी ले पाते हो बहुत ही बेहतर होगा, पेस बॉलिंग ऑलराउंडर, ठीक है। उसके बाद मैं इस टीम में देखना चाहूंगा मोहम्मद नबी को। मोहम्मद नबी को आई थिंक पंजाब किंग्स ही उठाएगा, ये मतलब न्यूज आ ही गया है लगभग, पंजाब किंग्स मोहम्मद नबी को ऊपर जाएगा। तो उस जगह पर अच्छा रहेगा, अच्छा चॉइस हो सकता है मोहम्मद नबी, ठीक है। उसके बाद ना मैं इस टीम में देखना चाहूंगा पैट कमिंस को, पैसा है पैट कमिंस के ऊपर जाओ, बहुत ही क्वालिटी गेंदबाज, इसमें कोई भी संशय नहीं है कि क्वालिटी देगा आपके टीम की ओर से। उसके बाद में 10 नंबर के पोजीशन पर नो डाउट वो अर्जदीप सिंह ही खेलेगा, और लास्टली 11 नंबर पे ना एक क्वालिटी स्पिन बॉलर लेना पड़ेगा जो कि इंडियन होगा। तो उस जगह पर पैसा है, राहुल चहर के ऊपर जाओ या फिर यूजी चहल के ऊपर जाओ, इन दोनों में से किसी भी एक खिलाड़ी को खरीद लो, अच्छा रहेगा, क्वालिटी देगा। तो ये अगर टोटल प्लेइंग 11 होता है
आप वापस से देखो मयंक अग्रवाल, उसके बाद शिखर धवन, उसके बाद आता है आपका मनीष पांडे या फिर सुरेश रैना, उसके बाद चार नंबर पे लियाम लिविंगस्टोन, मिचेल मार्च पांच नंबर के लिए, उसके बाद छह नंबर पे दिनेश कार्तिक एज ए विकेट कीपर बैट्समैन, उसके बाद सात नंबर पे ऋषि धवन, आठ नंबर पे मोहम्मद नबी, नौ नंबर पे पैट कमिंस और दस नंबर पे आरजी सिंह और लास्टली ग्यारह नंबर पे राहुल चव्हाण अगर हो तो अच्छा रहेगा मेरी तरफ से। तो ये अगर टोटल प्लेइंग इलेवन होता है तो आप लोगों के मुताबिक कैसा रहेगा वो जरूर से कमेंट करो और बताओ, क्योंकि एक प्लेइंग इलेवन बनाने में ना बहुत ही मतलब समय लगता है। और जरूर से आप ना लाइक करो अगर प्लेइंग इलेवन थोड़ा सा भी पसंद आया है तो, क्योंकि ऐसा अगर प्लेइंग इलेवन हो तो अच्छा रहेगा, बेटर चॉइस रहेगा। आप लोगों के मुताबिक कैसा चॉइस प्लेइंग इलेवन हो सकता है वो जरूर से कमेंट करो बताओ। और इससे पहले भी ना मैं पंजाब किंग्स के ऊपर एक वीडियो बनाया था जहां पर मैं स्क्वाड के बारे में डिस्कशन किया था, और वो वीडियो अगर आप अभी तक नहीं देखो ना तो जरूर से आई बटन पर जाओ, वहां पर फुल स्क्वाड डिस्कशन हुआ था कि कैसा स्क्वाड हो सकता है, कैसा प्लेयर्स लोग आ सकता है, बॉलर बैटर ऑलराउंडर सभी विभाग में मैं ढेरों खिलाड़ी को रखा था, मतलब टोटल 25 खिलाड़ी का स्क्वाड बनाया था। तो वो अगर आप अभी तक नहीं देखो जल्दी से आई बटन पर वहां पर जाकर देख लो, ठीक है। और ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को वो भी जरूर से कमेंट करना बताओ, और पंजाब किंग्स अगर फैंस हो वीडियो को लाइक कॉमेंट एंड शेयर करना मत भूलना। और मेरे तरफ से आज के लिए बस इतना ही, और आगे भी बहुत ही बढ़िया बढ़िया वीडियो आएगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है कि वीडियो आता रहेगा आईपीएल से जुड़ी हुई, इंडियन क्रिकेट टीम से जुड़ी हुई। तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।